बाड़मेर जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर रामसर मुख्यालय पर आज दिन तक दमकल की कोई व्यवस्था नहीं है। दमकल की व्यवस्था करने की मांग को लेकर कई बार इस इलाके के लोगों ने स्थानीय विधायक से लगाकर केंद्रीय मंत्री तक इसकी गुहार लगाई, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते रामसर मुख्यालय को आज दिन तक दमकल नसीब नहीं हो पाई है। इस मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि रामसर पंचायत समिति के 31 ग्राम पंचायतों में आगजनी की घटना होने पर 60 से 70 किलोमीटर दूर बाड़मेर से दमकल पहुंचती है, तब तक आगजनी की घटना से पूरी तबाही हो जाती है। बाड़मेर जिले के सरहदी क्षेत्र रामसर उपखंड मुख्यालय पर आज़ादी के 75 साल बाद भी दमकल की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आगजनी की घटना होने पर दमकल को बाड़मेर से बुलानी पड़ रही है। इसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनकी क्या मांगे हम बात करते हैं। रामसर पर कोई दमकल की व्यवस्था नहीं, आप क्या कहोगे? रामसर जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर है और दमकल की व्यवस्था जिला मुख्यालय पर है, और यहाँ कहीं आगजनी हो जाती है रामसर में और रामसर से आगे भी 60 किलोमीटर तक, तब तक कोई भी दमकल की व्यवस्था नहीं है। और जिला प्रशासन से हमारा अनुरोध रहेगा कि रामसर उपखंड स्तर पर एक दमकल की व्यवस्था की जाए, तो उससे क्या कोई आगजनी लगे तो उसमें दमकल टाइम पे पहुंच सके और नुकसान होने से बच सके, जनहानि और जो भी नुकसान होता है उससे बच सके। हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं, इनसे भी पूछेंगे कि रामसर उपखंड मुख्यालय के 31 ग्राम पंचायतों वहाँ पर दमकल की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण रामसर मुख्यालय पर दमकल की आज़ादी के बाद कोई व्यवस्था नहीं, आप क्या कहोगे? हम तो क्या कहेंगे, हम तो प्रशासन से ये बार बार मांग कर चुके हैं कि रामसर में मुख्यालय में दमकल की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि रामसर क्षेत्र लंबा है, यहाँ से मुनावत तक भी कोई आगजनी होती है तो बाड़मेर से दमकल पहुँचते पहुँचते उसमें तो 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे में तो जो भी चीज़ होती है स्वाह हो जाती है। हमारा तो प्रशासन से यही मांग है कि रामसर मुख्यालय पे दमकल की सुविधा हो, जिसमें रामसर और अन्य साइड के गाँव जो भी जितने गाँव हैं उन सब में सुविधा मिले। प्रशासन से हमारी यही मांग है और हमारी मांग को मानते हुए यदि प्रशासन हमारी मदद करता है तो सबसे उचित और अच्छी बात है। दमकल को लेकर कभी जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया है? पहले पत्रकार आए थे, उन्होंने 2-4 बार बोले थे, उसमें आए नहीं कुछ नहीं। रामसर में कम से कम 3-4 बार आग लग चुकी है, लग देने के कारण भी 2-3 घंटे लग जाते हैं इसमें आने में गाड़ी में, तो उसमें परेशानी होती है पब्लिक को। कैमरामैन रावताराम सेजू के साथ मैं गोकुल सियोल, DCN लाइव रामसर से। क्योंकि सुदूर क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर आगजनी की घटना होती रहती है, दमकल मुख्यालय पर नहीं होने के कारण आगजनी की घटना पर काबू नहीं पाया जा सकता। ऐसे में रामसर के लोगों ने मांग की है कि उपखंड मुख्यालय पर दमकल की व्यवस्थाएं स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन करें। सर, रामसर मुख्यालय पर दमकल की कोई व्यवस्था नहीं है, आमजन की मांग है, आप क्या कहोगे? आमजन की वहाँ मांग है जो वाजिब है, हमें भी लगता है कि दमकल की व्यवस्था उपखंड ब्लॉक स्तर पर, ये ब्लॉक मुख्यालय है रामसर, इसमें होनी चाहिए, और इसके लिए हम भी उच्च अधिकारियों को इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, क्योंकि रामसर की 31 ग्राम पंचायत है, इसका करीब क्षेत्रफल 45 से 50 किलोमीटर 45 से 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जैसे सज्जन का पार पंचायत तो बहुत ही 50 किलोमीटर से भी बाहर है, उसके गाँव जो रेवेन्यू विलेज है वो।